नमस्कार सभी भाइयों को। जी हाँ दोस्तों, यह गैस वेपोराइज़र जो कि 2010 तक की मॉडल गाड़ियां थी उनमें ये लगते थे, अब तो सिक्वेंसन लगते हैं। तो हाँ दोस्तों, इनकी होती है सर्विस जो कि 10-15 हज़ार किलोमीटर आने पर इनमें कचरा जम जाता है, जिनके कचरे को इनके अंदर लगाया होता है ये डायफ्रेम। जी हाँ दोस्तों, ये डायफ्रेम है, जैसे ये यहाँ से फूल जाते हैं, ये थोड़ा कटिंग हो जाते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं। इसमें दो डायफ्रेम सेट आता है जो यूनिटेक्स कंपनी का ओरिजिनल होता है। जैसे ये इसके भाई के दोनों डायफ्रेम ख़त्म हो गए हैं। इनमें आपको काफ़ी प्रकार की कंपनियाँ मिलती है, जैसे अभी ये एक सर्विस किया, अभी बाकी करने वाले बड़े हैं 4-5 पीस ये किया। जैसे ये जबोली का, जबोली कंपनी का सिस्टम लगभग सेम होता है, बस कंपनी के कुछ पार्ट्स होते हैं जो इधर की बजाय उधर लगे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है यूनिटेक कंपनी का, जो अपने टाइम में आज भी अच्छा नाम है यूनिटेक्स कंपनी का। ये है मिजो का। जी हाँ दोस्तों, ये मिजो की कंपनी है, जिसमें ये आउटलेट इधर दे के इधर दे दी है। ये है लबोटो, जो काफ़ी टाइम पहले आती थी 11-12-13 तक, अभी आनी बंद हो गई है। अगर आ रही है तो वो ओरिजिनल में नहीं आता लबोटो। या दोस्तों, ये लगा स्पार्क, जो अपने टाइम में ये भी अच्छी कंपनी मानी जाती थी, पर अभी इसका सामान इतना अवेलेबल नहीं है। तो और ये होता है सर जी गैस सोलोनाइट, जिसको गैस बाल बोलते हैं, जो आपकी गैस की पीछे से सप्लाई को आगे वेपोराइजर में कन्वर्ट करता है, जिसमें दो पाइपों का होता है, जिसमें एक पाइप यहाँ लगे हुए जो पीछे से टैंक में से आती है और दूसरी लगेगी यहाँ पर, क्योंकि ये भी यूनिटेक्स कंपनी का है। हाँ दोस्तों, आज हम उसको आपको दिखाएंगे इसमें वेपोराइज़र की सर्विस कैसे की जाती है। तो हाँ दोस्तों, इसको सौ साइड में रख देते हैं, जो कि कंप्लीट हो चुका है जबोली कंपनी का। अब दिखाएंगे आपको यूनिटेक्स कंपनी का आगे। जी हाँ दोस्तों, ये है यूनिटेक्स कंपनी का। दोस्तों ये लगी है इसमें कोयल, तो वेपोराइज़र को करंट देती है, और जो इसकी ये कूलेंट की पाइप है, जो अंदर कूलेंट सर्कुलेशन होता है, ये जो बटरफ्लाई है इनकी, ये यूनिटेक्स कंपनी का है। और ये साथ में पाइप भाई साहब गांव से लाए हैं, तो साथ में लिए हैं सर्विस करवाने के लिए, तो वहाँ मिस्त्री नहीं था तो इन्होंने खुद ने उतार लाए। ये लगा इसमें जॉइंट, तो यहाँ से 6 mm की पाइप का आता है और यहाँ से 8 mm की पाइप का आता है। तो दोस्तों, अब आगे की इसके खोल के आगे का दिखाते हैं आपको। जी हाँ दोस्तों, तो अब इसके नट खोल दिए गए हैं, तो अब इसका ये ढक्कन है, ये हटाते हैं और देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। हाँ जी दोस्तों, ये देखो इसके अंदर तका मिट्टी जमी पड़ी है पूरा, अंदर जमी हटाते हैं इसको, ये बोलते स्मेल आने चालू हो गई है गैस की। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा कचरे से भरा पड़ा है, पूरा भरा पड़ा है कचरे से। जी देखो सर, जो कि पूरा कचरे से भरा पड़ा है, ये वो कचरा जो अपने घर के सिलेंडरों में होता है, जिसको अमन स्मेल बोलते हैं गैस की, ये वो कचरा है, जिसको अब अच्छे से धो के इसको बढ़िया से पेट्रोल से साफ किया जाएगा। आगे बने रहे, दिखाते हैं आपको आगे कुछ पार्ट्स। जी हाँ नमस्कार भाइयों। जी हाँ, तो आज आपको दिखाते हैं गैस किट वेपोराइज़र की सर्विस, जो ये यूनिटेक्स कंपनी का लगा हुआ है इसमें, जिसके सामान ये पार्ट्स है, और जो ये अंदर से वेपोराइज़र है सर, कचरा जमा हुआ पूरा, जो आपकी घर की सिलेंडर की गैस की टंकी में आता है, यहाँ चलती है गैस और यहाँ चलता है कूलेंट, जो आपकी गाड़ी में कूलेंट सर्कुलेशन होता है, जिससे ये गाड़ी को गर्म करता है और यहाँ ठंडा होता है, उससे मिक्स होकर एक धुआं बनता है, जिससे गाड़ी को इंजन में प्रोवाइड होता है, जिससे गाड़ी चलती है। तो अभी इसको साफ कर रहे हैं खोल के, जिसमें बहुत कचरा निकला आगे से ये, और ये इधर अभी इसको बढ़िया आरी की ब्लेड से चमका के पेट्रोल से धोया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये होते हैं इसमें डायफ्रेम, जिनको रबर रिंग बोलते हैं, जो कि सर्विस के साथ लोग बोलते हैं कि हर सर्विस में ख़त्म हो जाते हैं, या तो उसका मेन कारण यही होता है कि आप अपनी गाड़ी में पानी पूरा रखो और सिलेंडर डलवाते वक्त हिलाओ बस। या तो इसके डायफ्रेम अभी ये फट चुके हैं, ये इसकी कोयल है, ये इसका पिस्टन है, पिस्टन की जो रबड़ है, हर बार जितनी बार सर्विस हो इस रबड़ को, यहाँ पे जो रबड़ लगेगी उसको चेंज करना है। अगर इसे चेंज नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी दिक्कत करेगी, हर बार करेगी दोस्तों। इसको बढ़िया तेल से धोकर अभी आपको आगे दिखाएंगे, हर बार इसकी रबड़ चेंज करनी है, और जिसमें ये दो रबड़ें और लगी है, जो ये होता है
ये वाली लीवर की, ये भी इसकी रबड़ है जो अंदर बैठ चुकी है पूरी, जिसके कारण ये वेपोराइज़र काम नहीं कर रहा अभी, जिसके कारण इसने ये डायफ्रेम है जो ये ख़राब कर दिए हैं। मेन कारण इसी का ये रबड़ होता है, जो था लीवर रबड़। बाकी आपको आगे कंटिन्यू दिखाएंगे, बाकी अपने भाई साहब कर रहे हैं माउंटिंग। तो जो वेपोराइज़र था उसे यहाँ पे फिट कर दिया है। ये इसकी गैस एंटर की पाइप होगी और ये पाइप होगी जो इंजन के आगे जो गैस प्रोवाइड करेगी, जो इसमें होस पाइप में प्लग देके अंदर मिक्सर लगाया है, जो कि मॉडल पुराना है वैगनार का, इसलिए इसमें ये नॉर्मल वेपोराइज़र लगा हुआ है। जो फ्रंट की पाइप है, ये कोयल है, ये कोयल को करंट दे रही है, एक माइनस और एक प्लस। तो हो गया ये इसका गैस वाल लगा हुआ है यहाँ पे। ध्यान दोस्तों, तो अब दिखाते हैं आपको गैस को स्टार्ट करके वैगनार। हाँ दोस्तों, गाड़ी एक सलम में स्टार्ट हो गई है। ये लगा इसका चेंज ओवर स्विच गैस टू पेट्रोल का। चलो दोस्तों, ये इसमें ग्रीन लाइट भी दे रहा है, मतलब कि इसके जो पीछे सेंसर लगा हुआ है मीटर, वो वर्क कर रहा है अपना। और ये इसमें बता रहा है आधी सिलेंडर, मतलब कि 7 किलो गैस है अभी इसमें। और ये एक जी की लाइट आ रही है, ये गैस की लाइट है, और नीचे पी की लाइट आएगी, वो पेट्रोल की होगी। ये वाला है, ये गाड़ी पेट्रोल पे आ गई है, गाड़ी बिना बंद हुए। और ये वापस